दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल आल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं ग्रिड सीलिंग। तो ग्रिड सीलिंग में कितना खर्चा आता है बनाने में, जो कि हमारी जो छत पर की जाती है उस सीलिंग में कितना खर्चा आता है, तो इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम सीलिंग कर रहे हैं ये जो है हमारी ऑफिस सीलिंग है और इसमें जो पार्टीशन लगा हुआ है DGU ग्लास का पार्टीशन लगा हुआ है। तो इसकी छत को कवर करने के लिए इसमें सीलिंग की जा रही है जो कि 2x2 की टाइल की सीलिंग इसमें की जा रही है। इस सीलिंग की अगर कॉस्ट की भी बात करेंगे, बाद में बात करते हैं उस कॉस्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बीच में जो कि हमारा जो सीलिंग AC भी लगाया गया है जो कि बड़ा AC है जो कि हर रूम में हवा सप्लाई होगी इससे। तो क्या है कि इसको कवर करने के लिए ऊपर के जो पाइप्स वगैरह हैं उनको कवर करने के लिए सीलिंग की जाती है, तो फॉल सीलिंग उसको बोलते हैं। 2x2 की टाइल जिसमें इस्तेमाल की जाती है, ग्रिड सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ग्रिड सीलिंग बोला जाता है। छत को या पाइप्स को कवर करने के लिए ऊपर देख सकते हैं जो कि आपकी जो भी चीज़ नज़र आएगी वो कवर हो जाती है, तो फॉल सीलिंग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हिटाची का AC इसमें इस्तेमाल किया गया है। अभी यहाँ पर पिनहोल टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, अच्छी टाइल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर चूँकि कटिंग कर लेते हैं, छोटी मोटी जो जगह होती हैं, कोने होते हैं यहाँ जहाँ पर टाइल्स कम आती हैं, तो वहाँ पर इन टाइल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको टाइल्स कटिंग करके, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इनको कटिंग करके डाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारी टाइल है ये 8mm की हमारी टाइल है। और यहाँ पर अगर पीछे से आप देख सकते हैं, ये पीछे का हिस्सा है इसका और आगे का हिस्सा मैंने आपको दिखाया। अभी मैं थोड़ा सा इसका जो कि ब्रांड भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं PVC लैमिनेटेड टाइल्स है और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टाइल्स दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मैंने टाइल्स आपको दिखा देती हैं, सेंट गोमिन की ये टाइल है। और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों जो इस सीलिंग को करने में जो कॉस्ट आती है वो 75 से 80 रुपये की कॉस्ट आ जाती है, विद लेबर विद इंक्लूड सब कुछ इस मिलाकर 80 रुपये स्क्वायर फिट की कॉस्ट आ जाती है। आप कमरे में बना कर रहे हैं इस या फिर आप ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं भी आप सीलिंग कर रहे हैं तो सब 75 से 80 रुपये की कॉस्ट अच्छी सीलिंग करने में आ जाती है। यहाँ पर मैं टाइल्स आपको दिखा देता हूँ, ये टाइल्स आप देख सकते हैं, पिनहोल टाइल्स है, यहाँ पर ये वाली PVC टाइल्स है और यहाँ पर इसके नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइल्स है, यहाँ पर थोड़े से डिजाइन वाली भी टाइल है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे तरीके की टाइल्स हैं, जैसी आप चाहते हैं वैसी टाइल्स की सीलिंग हो जाती है। यहाँ पर ये थोड़ी डिजाइनदार टाइल है, इसके बाद एक इसी डिजाइन में और भी टाइल मिल जाती हैं, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जितनी भी टाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 8mm टाइल्स हैं। इसमें बाद में एक टाइल और दिखाऊंगा जो कि हमारी 10mm की टाइल होगी, जो कि हमारी अच्छी टाइल होगी और उसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो लगभग 120 रुपये स्क्वायर फीट में उसकी सीलिंग की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8mm की ये जो टाइल है हमारी, और ये भी एक नया डिज़ाइन है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जितना भी है इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये PVC की डिज़ाइन बने हुए हैं, ये पिन होल टाइल है जो कि हमारी 10mm की टाइल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10mm मोटी होती है, बाकी जो अभी मैं टाइल आपको दिखाई मैंने वो जो हमारी जितनी भी टाइल हैं वो क्या है कि हमारी 8mm की टाइल होती हैं। यहाँ पर जो पहला डिज़ाइन दिखाया था उसमें ये डिज़ाइन होता है जो कि गोल्डन पट्टियाँ इसमें आ जाती हैं, ये भी 8mm की होती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्डन डिज़ाइन, इसका नंबर जो है 238 नंबर इसका डिज़ाइन होता है। तो दोस्तों आप अगर हम सीलिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID मेरी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।